नमस्कार, वीआईपी इंडिया में आपका स्वागत है। आज के हिंदी ऑडियो आर्टिकल में डी एलेट शिक्षा दिग्दर्शन विज्ञान विषय से अध्याय 9 तत्वों का वर्गीकरण परमाणु संरचना का परिचय दीजिए। परमाणु संरचना, तो परमाणु संरचना के बारे में जान लेते हैं। परमाणु किसी तत्व का सूक्ष्मतम अंश है जिसका रासायनिक अस्तित्व हो। इसकी संरचना नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन से मिलकर होती है। नाभिक में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन होते हैं। परमाणु का आवेश शून्य होता है। परमाणु संख्या की बात हो जाए, वह मूलभूत संख्या जो उस परमाणु के नाभिक में प्राप्त प्रोटॉनों की संख्या को बतलाती है। यह संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के तुल्य भी होती है। इसे प्रोटॉन संख्या भी कहते हैं, जिसका संकेत जेड होता है। परमाणुकता किसे कहते हैं, यानी परमाणुकता किसी अणु में परमाणुओं की संख्या यथा ऑक्सीजन का O2 की परमाणुकता 2 है, ओजोन की O3 की, तो ओजोन की परमाणुकता 3 है, और बेंजीन यानी कि C6H6 यानी इसकी बेंजीन की 12 है, तो इसको परमाणुकता कहा जाता है। अब आते हैं परमाणु की संरचना। परमाणु का केंद्रीय भाग धन आवेश से भारी तथा ठोस होता है, यह नाभिक कहलाता है। नाभिक में धन आवेशी कण प्रोटॉन तथा विद्युत उदासीन कण न्यूट्रॉन होते हैं। अब कक्षा सेल की बात हो जाए, इलेक्ट्रॉन जिस परिपथ पर नाभिक के चारों ओर भ्रमण कहते हैं तथा जिसके फलस्वरूप उनकी ऊर्जा का मान निश्चित रहता है, कक्षा कहलाते हैं, जैसे के LMNO आदि। उपकक्षा की बात हो जाए, उपकक्षा को ही ऑर्बिट कहा जाता है। यह वह क्षेत्र है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की अधिकतम संभावना होती है, जैसे SPDF, ये सब स्मॉल में रहेंगे आदि। ऑर्बिट के उपभागों को ऑर्बिटल कहा जाता है। जैसे पी का ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल होते हैं, माना कि PX, PY तथा PZ होते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक ऐसा कण है जिसका द्रव्यमान नगण्य होता है तथा जिस पर इकाई ऋण आवेश रहता है। अगला है प्रोटॉन के बारे में। प्रोटॉन एक ऐसा सूक्ष्म कण है जिसका सापेक्ष द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है और इस पर इकाई धन आवेश रहता है। और न्यूट्रॉन, यह उदासीन होता है। न्यूट्रॉन से पता चलता है यह न्यूट्रल रहता है। यह उदासीन होता है अर्थात इस पर कोई आवेश नहीं रहता है। एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान एक प्रोटॉन द्रव्यमान के बराबर होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु के वाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अब बात करते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। और कोर इलेक्ट्रॉन में भीतरी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन कोर इलेक्ट्रॉन कहलाए जाते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे कैल्शियम परमाणु में 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन और शेष 18 कोर इलेक्ट्रॉन हैं। अब समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु द्रव्यमान भिन्न हो किंतु परमाणु संख्या समान हो, समस्थानिक कहलाते हैं। उदाहरण, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, 1H1 सामान्य हाइड्रोजन तथा प्रोटियम, परमाणु द्रव्यमान 1 है। 1H2 यानी ड्यूटेरियम या प्रोटियम, परमाणु द्रव्यमान 2 है। 1H3 यानी ट्रिटियम या प्रोटियम, परमाणु द्रव्यमान 3 है। अगला है नाभिक की क्रिया। वे क्रियाएं जिनमें परमाणु के नाभिक में परिवर्तन होते हैं नाभिक क्रियाएं कहलाती है। इस क्रिया में बहुत अधिक परिमाण और ऊर्जा उत्सर्जित होती है। अब बात करते हैं संभारिक। वे तत्व जिनके परमाणु भार समान किंतु परमाणु संख्याएं भिन्न भिन्न होती है संभारिक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, ये तीनों संभारिक हैं क्योंकि इन तीनों का परमाणु भार 40 होता है किंतु इनकी परमाणु संख्याएं क्रमशः 18, 19 और 20 होती है।
अगला है, बात कर लेते हैं आइसोटॉन्स। विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके नाभिकों में न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, जैसे 14s30, 15p31 तथा 16s32। प्रत्येक परमाणु के नाभिक में 16 न्यूट्रॉन हैं। क्वार्क, पदार्थ के मूल कणों को बनाने वाले कणों को क्वार्क नाम दिया जाता है। अभी तक क्वार्क एक काल्पनिक कण है। एक वैज्ञानिकों के मत है कि क्वार्क की अस्तित्व है और क्वार्कों के मिलने से दूसरे कण बनते हैं। क्वार्क कणों पर आंशिक आवेश होता है। इनके अस्तित्व के विषय में सर्वप्रथम अमेरिका के भौतिक शास्त्रियों मुरेगल मान और जॉर्ज च्विक ने 1964 में कल्पना की थी। अब आते हैं संयोजकता से क्या अभिप्राय है। संयोजकता विभिन्न तत्वों के परस्पर संयोग करने की क्षमता को उनकी संयोजकता कहते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु किसी भी तत्व के एक से अधिक परमाणुओं से संयोजक नहीं करता, इसीलिए इसकी संयोजन क्षमता को मानक माना गया है। अर्थात हाइड्रोजन की क्षमता को एक माना गया है। अन्य तत्वों की संयोजन क्षमता हाइड्रोजन की क्षमता से तुलना करके ज्ञात की जाती है। अतः किसी तत्व के संयोजकता हाइड्रोजन परमाणुओं की वह संख्या है जो किसी तत्व के एक परमाणु से संयोग करती है अथवा उसके द्वारा विस्थापित करती है। जो तत्व हाइड्रोजन से संयोग नहीं करते, उनकी संयोजकता किसी ज्ञात संयोजकता वाले अन्य तत्व की सहायता से ज्ञात की जाती है। संयोजकता की आधुनिक परिभाषा, किसी तत्व के परमाणु में बाह्यतम कोश कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन H1, चांदी Ag1, जिंक Zn2, एल्यूमिनियम 3, कॉपर Cu1 तथा 2, फास्फोरस P3 तथा 5 इत्यादि। अब बात करते हैं तत्वों की वर्गीकरण, यानी कि एलिमेंट एवं वर्गीकरण। वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं तत्व कहलाते हैं। तत्वों को प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब तक 119 तत्व खोजे जा चुके हैं। अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के गुणों में भिन्नता होती है, लेकिन किसी तत्व के सभी परमाणुओं के गुणों में समानता होती है, जैसे ऑक्सीजन हाइड्रोजन आदि। यौगिक कंपाउंड, दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में संयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, इसे यौगिक कंपाउंड कहते हैं। यौगिक के अवयवी तत्वों और यौगिक के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। यौगिक के सूत्र में उनमें से परिस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या ज्ञात हो जाती है, जैसे जल नमक ग्लूकोज कैल्शियम कार्बोनेट आदि। मिश्रण, दो या दो से अधिक पदार्थ अनिश्चित अनुपात में मिलकर मिश्रण बनाते हैं, जैसे वायु शरबत सिरका पीतल सोडा वाटर आदि। रासायनिक समीकरण, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाले उत्पादों को प्रतीकों तथा सूत्रों द्वारा निरूपित करने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण बनाने के लिए निम्न तथ्यों की जानकारी आवश्यक है। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ का ज्ञान, अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न पदार्थ उत्पादकों का ज्ञान, अभिकारकों एवं उत्पादों के संकेत या सूत्र का ज्ञान, अभिक्रिया के लिए उचित ताप एवं उत्प्रेरक आवश्यकता अनुसार का ज्ञान। रसायन की भाषा से क्या अभिप्राय है, अगला प्रश्न है। रसायन की भाषा, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। प्रतीक सिंबल, किसी वस्तु के नाम को कम से कम शब्दों में व्यक्त करना प्रतीक कहलाता है। दूसरे शब्दों में किसी तत्व के नाम के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त अक्षर को उक्त तत्व का प्रतीक कहते हैं। प्राचीन काल में रसायन विज्ञान के तत्वों के नामों एक स्थान पर विभिन्न प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता था। पूर्व धारणा के अनुसार यह मान्यता थी कि ग्रहों से तत्वों के संबंध होता है। इन मान्यताओं के अनुसार विभिन्न तत्वों के संकेत के रूप में प्रकृत प्रतीक
जैसे ग्रह नक्षत्र आदि का प्रयोग किया गया। जैसे सोना और सूर्य के चिन्ह से चांदी को चंद्रमा के चिन्ह से दर्शाया जाता था, इस प्रकार की प्रतीक प्रणाली मिस्र एवं यूनान वासियों द्वारा विकसित की गई थी, जिसे कीमियागिरी व ग्रीक पद्धति के नाम से जाना गया। सन 1800 में जॉन डाल्टन ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया और वह बताया कि पदार्थ का सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है। उन्होंने एक वृत्त के अंदर विभिन्न चिन्ह बनाकर तत्वों के प्रतीकों को प्रदर्शित किया, जैसे हाइड्रोजन को एक बिंदी से, ऑक्सीजन को ओ से, तांबा को सी से, सोना को एस से, गंधक को प्लस से, चांदी को एस से, स्मॉल एस रहेगा, सोना का कैपिटल एस, यानी कि चांदी या सोना का एक ही प्रतीक माना जाता था, पर सोना का कैपिटल एस, चांदी का स्मॉल एस। उक्त चिन्ह प्रणाली किसी निश्चित नियम पर आधारित नहीं थी, इसीलिए इनको लिखना, याद रखना और समझना दुष्कर कार्य था। इसकी सबसे बड़ी कठिनाई यह थी कि इनकी सहायता से शाब्दिक सूत्र और रासायनिक अभिक्रिया को निरूपित किया जा सकता था। सन 1814 में स्वीडन के पद्धति वैज्ञानिक जे जे बर्जीलियस ने तत्वों एवं प्रतीकों को लिखने की सरल एवं सुविधाजनक प्रणाली प्रस्तुत की। इस प्रणाली में बर्जीलियस ने तत्व के नाम के लिए उसके प्रथम अंग्रेजी अक्षर का प्रयोग किया। बर्जीलियस के अनुसार प्रत्येक तत्व को हाइड्रोजन वर्णमाला के एक या दो अक्षरों से दर्शाया जाता है। संकेतों में से पहले अधिकतर बड़े अक्षरों का प्रयोग होता है, जैसे हाइड्रोजन के लिए H, सल्फर के लिए S, ऑक्सीजन के लिए O, कार्बन के लिए C, नाइट्रोजन के लिए N। अगला है, जब एक ही अक्षर से दो तत्वों के नाम का प्रारंभ होता है तो उन्हें समझने में भ्रम होता है, तब एक और अक्षर को इसमें जोड़ दिया जाता है, जैसे क्लोराइड को Cl, कोबाल्ट को CO, कैल्शियम को Ca, क्रोमियम को Cr। यह पहला अक्षर बड़ा तथा दूसरा अक्षर छोटा लिखा जाना चाहिए। अगला है, कुछ तत्वों के प्रतीकों को उनके लैटिन तथा ग्रीक भाषा के नामों से लिया गया है, जैसे सोडियम नेट्रियम, इसका Na, नेट्रियम ग्रीक भाषा में सीधे लिख दिया गया था, लेकिन यह अपनी भाषा में सोडियम को Na से दर्शाते हैं। वैसे इसका नाम नेट्रियम है, पर यहाँ पे सोडियम बोलते हैं, इसीलिए इसको Na से दर्शाया जाता है। कुछ तत्वों को उनके स्थान के नाम पर प्रतीक दिए गए हैं, जैसे PO, पोलोनियम, इससे पहले इनका नाम पोलैंड था। कुछ तत्वों के नाम प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर रखे गए हैं, जैसे यानो, यानी कि नोवेलियम, इसका नाम अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर रखा गया था। कुछ तत्वों के नाम आकाश पिंडों तथा रंगों के नाम पर रखे गए हैं। वर्तमान में ये प्रतीक ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य है। अब बात करते हैं रासायनिक सूत्र के बारे में। किसी एक ही तत्व के परमाणु अथवा विभिन्न तत्वों के परमाणु आपस में संयोग करके अणु बनाते हैं, अतः अणुओं को प्रतीकों द्वारा निरूपित करने को रासायनिक सूत्र कहते हैं, अथवा परमाणुओं के प्रतीक के विशिष्ट समूह को उस अणु का रासायनिक सूत्र कहते हैं। तत्वों के रासायनिक सूत्र एक तत्व के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या उसकी परमाणुविकता कहलाती है। कुछ तत्व एक ही परमाणु से निर्मित होते हैं तथा अन्य दो या अधिक परमाणुओं के समूह से निर्मित होते हैं, उन्हें अणु कहते हैं। तत्व निम्नलिखित रूप से प्रदर्शित किए जाते हैं। कुछ तत्व में परमाणु इकट्ठे होते हैं, इस प्रकार के तत्व अनेक परमाणुओं द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं, इनका कोई अलग सूत्र नहीं होता है, जैसे कार्बन को सी, सोडियम को Na, कॉपर को Cu, लोहा का Fe आदि। अगला है, तत्वों के अणु होने पर अणु बनाने वाले परमाणुओं की संख्या। परमाणुविकता को उस तत्व के प्रतीक के दाहिनी और नीचे लिखकर प्रदर्शित किया जाता है, जैसे ऑक्सीजन का एक अणु है, यानी O2 से प्रदर्शित किया जाता है। O2 यह प्रदर्शित करता है कि ऑक्सीजन के एक अणु है, एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 2 है। इस प्रकार ओजोन में
O3 सल्फर में S8 क्रमशः त्रिपरमाणिक व बहुपरमाणिक अणु रूप हैं। यौगिक के रासायनिक सूत्र। यौगिक के अणु में उनके घटक तत्व के परमाणु निश्चित अनुपात में होते हैं। यौगिक का संगठन निश्चित होता है। यौगिक के एक अणु विद्यमान तत्वों में परमाणु पूर्ण संख्या में होती हैं, जैसे जल हाइड्रोजन के 2 परमाणु तथा ऑक्सीजन के 1 परमाणु द्वारा मिलकर बनता है। जल को निम्न सूत्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं, H2O। अमोनियम क्लोराइड में नाइट्रोजन के 1 परमाणु, हाइड्रोजन के 4 परमाणु, 1 क्लोरीन का 1 परमाणु होता है। इसका सूत्र NH4Cl है। रासायनिक सूत्र के प्रकार। टाइप ऑफ केमिकल फॉर्मूला। मूलानुपात सूत्र वह सूत्र जिससे किसी यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या को सरल अनुपात का बोध होता है, मूलानुपातिक सूत्र कहलाता है। जैसे ग्लूकोज के अणु में कार्बन हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का सरल अनुपात 1:2:1, अतः इसका मूल अनुपात सूत्र CH2O है। अब आणविक सूत्र के बारे में बात करते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला वह सूत्र जिससे किसी यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या का बोध होता है, आणविक सूत्र कहलाता है। जैसे ग्लूकोज के एक अणु में कार्बन के 6 परमाणु, हाइड्रोजन के 12 परमाणुओं तथा ऑक्सीजन के 6 परमाणु होते हैं। इसका आणविक सूत्र है C6H12O6 है। संरचना सूत्र वह सूत्र है जिसमें यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं की संख्या एवं उनकी एक दूसरे से जुड़ने की व्यवस्था को बोध कर होता है, संरचना सूत्र कहलाता है। जैसे मेथेन का आणविक सूत्र है CH4 है। इसका आकार चतुष्फलकीय होता है और कार्बन परमाणु चतुष्फलक के केंद्र में स्थित होता है। इससे CH संबंध एक दूसरे से 190 डिग्री 28 का कोण बनाते हैं। अब अगला प्रश्न है जो BTC 2015 में पूछा गया है। मेडलिप की आवर्त सारणी के दोष में समस्थानिकों का स्थान पर प्रकाश डालिए। एक ही तत्व के सभी समस्थानिकों का परमाणु क्रमांक समान होता है, अर्थात इनकी वाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, अतः इनके एक ही स्थान पर रखा जाना उचित है। अगला प्रश्न जो BTC 2016 में पूछा गया है। आवर्त सारणी के किसी आवर्त के बाएं तथा दाएं चलने पर विद्युत धनात्मक गुण एवं धात्विक गुणों में क्या परिवर्तन होता है, उदाहरण देकर समझाइए। जैसे सोडियम विद्युत धनात्मक, मैग्नीशियम यानी कि NaMgAlSi विद्युत उदासीन है, अब PS अब विद्युत ऋणात्मक Cl। फिर सोडियम मैग्नीशियम अधिक धात्विक, एल्यूमिनियम सिलिकॉन PS तथा Cl कम धात्विक या आधात्विक। अब आते हैं अति लघुतर प्रश्न में। बी कण सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने कब ज्ञात किया। बी कण सर्वप्रथम वर्ष 1948 में रोचेस्टर तथा बटलर नामक वैज्ञानिक ने ज्ञात किया था। संभारिक किसे कहते हैं। वे तत्व जिनके परमाणु भार समान हैं किंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है, संभारिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन से क्या तात्पर्य है। इलेक्ट्रॉन एक ऐसा कण है जिसका द्रव्यमान नगण्य होता है तथा जिस पर इकाई ऋण आवेश रहता है। संयोजक की आधुनिक परिभाषा क्या है। किसी तत्व के परमाणु में वाह्यतम कोष कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व के संयोजकता कहते हैं। अब तक कितने तत्व खोजे गए हैं। 119 तत्व। तत्वों की एवं प्रतीकों को लिखने की सरल एवं सुविधाजनक प्रणाली किसने और कब विकसित की थी। तत्वों एवं प्रतीकों को लिखने की सरल एवं सुविधाजनक प्रणाली 1814 में स्वीडन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक जे बर्जिलियम के ने विकसित की थी। मेथेन का आणविक सूत्र क्या है। मेथेन का आणविक सूत्र CH4 है।
परमाणु द्रव्यमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है? परमाणु द्रव्यमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक कार्बन 12 है। यौगिक किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक तत्वों निश्चित अनुपात में संयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, इसे यौगिक कहते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्तों की संख्या लिखिए। मेंडलीव की आवर्त सारणी में 9 वर्ग समूह तथा 7 आवर्त होते हैं। प्राउड की परिकल्पना क्या थी? प्राउड की परिकल्पना थी कि सभी तत्वों के परमाणु हाइड्रोजन परमाणुओं के संगठन मात्र है तथा सभी तत्वों के परमाणु भार हाइड्रोजन के परमाणु भार के सरल गुणक होते हैं। डावेराइनर के त्रिक किन्हें कहा जाता है? डावेराइनर ने लगभग समान गुणधर्म वाले अनेक तत्वों को तीन तीन के समूह में उनके परमाणु भार में वृद्धि के क्रमानुसार रखा। इस प्रकार के समूह डावेराइनर के त्रिक कहलाते हैं। लोथर मेयर वक्र के आधार पर तत्वों के गुण किसके आवृत्ति फलन है? लोथर मेयर वक्र के आधार पर तत्वों के गुण समानता उनके परमाणु भारों के आवृत्ति फलन है। संक्रमण तत्व के दो विशेष गुण लिखिए। संक्रमण तत्वों के दो विशेष गुण निम्नलिखित है। विभिन्न संयोजकताएं दर्शाना, रंगीन संकर आयन बनाना। हैलोजन परिवार में किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे कम है? हैलोजन परिवार में फ्लुओरीन यानी F की परमाणु त्रिज्या सबसे कम है। एक तत्व M आवर्त सारणी के तीसरे समूह में है, इसके ऑक्साइड का सूत्र क्या है? M2O3। आवर्त सारणी में स्थित के अनुसार सल्फर के चार गुण लिखिए। आवर्त सारणी में स्थित के अनुसार सल्फर के चार गुण निम्नलिखित है। सल्फर प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है और आधात्विक तत्व है। यह धातुओं के साथ विद्युत संयोजन यौगिक तथा आधातुओं के साथ संयोजक यौगिक का निर्माण करती है। यह धातुओं के साथ संयोजक करके सल्फाइड बनाती है। सल्फर ऑक्साइड अम्ल भी बनाती हैं। परमाणु किन किन मूल कणों से मिलकर बनता है? अगला प्रश्न है, परमाणु मूलतः इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। सभी परमाणुओं का सार्वभौमिक अवयव कौन सा है? सभी परमाणुओं का सार्वभौमिक अवयव प्रोटॉन है। किसी ऐसे परमाणु की संरचना बताइए जिसमें न्यूट्रॉन नहीं है। हाइड्रोजन परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं होता है, इसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन होता है। विद्युत ऋणात्मक से क्या समझते हो, समझाइए। किसी अणु के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को विद्युत ऋणात्मक कहते हैं। यह इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने का क्षमता की माप है। आधुनिक आवर्त नियम क्या है? आधुनिक आवर्त नियम तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवृत्ति फलन है। धन्यवाद इस ऑडियो आर्टिकल को सुनने के लिए। ऐसा ही ऑडियो आर्टिकल सुनना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।